Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next portion of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारे agriculture optional answer writing practice series चल रही है उसका next portion को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is, describe the role of self-help groups, cooperative society and farmer producer company in optimization of resource utilization by farming country. Self-help groups का, cooperative societies का और farmer producer companies के क्या role हैं resource utilization में, कैसे वो resource utilization को optimize कर सकते हैं by farming community. So this is the question and this question was asked in 2023 IFOS agriculture optional paper. अगर आप IFOS के agriculture optional paper देखें तो उसमें ये question पूछा जा चुका है. और अगर आप बात कर रहे हैं इस टाइप से क्वेश्चंस की, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, एसएसजीज, कोऑपरेटिव्स और एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोलो, ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है. ये तीनों से यूपीएससी प्रीवियसली काफी क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहे वैसे जी से हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो या एफपीओ से हो या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो भी बोलो. सो यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थ्री इन डिटेल. आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में पता रहना चाहिए, बिकॉज कि इससे काफी क्वेश्चंस प्रीवियसली आ चुके हैं और ये सब कुछ मैंने अपने स्टैटिक कोर्स वाली वीडियोस दी थी उसमें भी कराई हुई है. यू कैन रेफर दैट ऑल्सो. कहीं से भी आप कर लो, पर ये तीनों तो कर ही लो, बिकॉज ये तीनों में से कोई एक तो 100% आपके एग्जाम्स में आनी है, ठीक है. तो यू शुड बी नोइंग इट वेरी नाइसली. चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. एंड दिस इज दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और IFOS में आ भी चुका है तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कैसे आंसर करना है ऐसे क्वेश्चंस को. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच द आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि यहाँ पे तीन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया गया है, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज. तो इन तीनों के बारे में ही एक साथ करके क्वेश्चन में क्यों पूछा गया है, क्यों ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में इन तीनों से रिलेट किया गया है, बिकॉज इन तीनों का बेसिक कोर फंक्शन है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन. और इन तीनों का बेसिस देखो, बेसिस ऑफ वर्किंग, चाहे एसएसजी हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो, इन सब की जो बेसिस ऑफ वर्किंग है दैट इज कलेक्टिव फार्मिंग, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस. This is the basis of working of these three, that is self-help groups, cooperatives and farmer-producer companies. अब यहाँ farmer-producer company word से confused मत होना, farmer-producer organization ऐसे generally आप सब जानते हो. तो farmer-producer company generally होता क्या है, ये एक simply cooperative ही है, cooperative plus private limited company. मतलब ये कोऑपरेटिव ही है पर एक कंपनी बन चुकी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है या फिर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आ चुकी है, उसके तहत काम कर रही है, ठीक है. तो दिस इज सिंपली नोन एज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सेम चीज है. तो इन सब की बेसिस ऑफ वर्क देखी जाए तो दैट इज कलेक्टिव फार्मिंग, दैट इज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस. तो यहाँ आप क्या होगा, देखो जहां पर भी रिसोर्स का पूलिंग होगा ऑब्वियसली उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी. अगर कोई एक फार्मर एक ये रिसोर्स को यूज कर रहा है, उसके पास शायद सेकंड इनपुट ना हो, फर्स्ट इनपुट को यूज कर रहा है, तो अगर ये सारे फार्मर्स मिल जाए, यहाँ पे 15 फार्मर्स मिल जाए, 10 फार्मर्स मिल जाए, तो इसलिए उनके पास अधिक रिसोर्सेस होंगे, उन सबको पुल करके उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, सस्टेनेबली यूटिलाइज कर पाएगा, एफिशियंटली यूटिलाइज कर पाएगा. इनफैक्ट उससे उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी. सो दिस इज द बेसिक एडवांटेज, बेसिक रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझना जरूरी है. अगर क्वेश्चन में जो ये बंदा ये चीज समझ जाता तो आगे के आंसर उसके लिए इजी हो जाते, वो आसानी से कर सकता था आंसर को, ठीक. ऐसे भी आप ओवरऑल देखो तो जनरल पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते थे इस क्वेश्चन में, नथिंग डिफिकल्ट. तो अब बढ़ते हैं रोल के. अब देखो इसमें दो अप्रोच हो सकते हैं आप बॉडी में जब भी जाओ, या तो सबके अलग अलग रोल लिख दो, एसएसजी को अलग करके उसके 3-4 पॉइंट्स, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 3-4 पॉइंट्स, फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के 3-4 पॉइंट्स. पर अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन में देखो तो इन तीनों को रोल्स इतने सिमिलर है कि अलग अलग लिखोगे तो बार बार पॉइंट्स सेम टाइप ऑफ पॉइंट्स ओवर मैच होंगे. आप ऐसे लिख सकते हो, अप्रोच इज नॉट रॉन्ग आई विल से, उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे. पर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ,
कि एक ही में सबकी रोल को लिख दिया हुआ, ठीक है, एक ही में इंक्लूड करके सबको लिख दिया, क्योंकि सबके कॉमन रोल्स हैं, सिमिलर रोल्स हैं, तो अलग अलग लिखने में पॉइंट्स वाला रिपीट करने से मुझे ज्यादा कुछ लिखा नहीं, सो आई हैव यूज्ड द रोल्स इन कलेक्टिव वे. तो बढ़ते हैं रोल्स पे. सबसे पहले तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अब क्या होगा कि मान के चलो सारे जो भी जितने फार्मर सबने अपने रिसोर्सेज को पूल कर दिया. हो सकता है कि पहले किसी एक फार्मर के पास फर्टिलाइजर नहीं थी, किसी एक फार्मर के पास फर्टिलाइजर थी, उसने 10 केजी खरीदी थी, उसकी 8 केजी यूज हो रही थी, 2 केजी वेस्ट हो रही थी. अब क्या हो रहा है, जब ये सारे फार्मर्स एक साथ मिल गए तो एक साथ ही अपने रिसोर्स की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. और सेकेंडली क्या होगा, एक बड़ा ट्रैक्ट ऑफ लैंड मिल जाएगा. ठीक है, अगर एक फार्मर छोटे ट्रैक्ट में कर रहा है तो उसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन उतनी अच्छी होती नहीं है. सेकेंडली प्रोडक्शन की भी ग्लिचेज रहते हैं, सारे फार्मिंग ठीक से कर नहीं पाता है. अब यहाँ क्या है, एक बड़ा ट्रैक्ट ऑफ लैंड मिल जाएगा, उस हिसाब से वो रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे. तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का एफिशिएंट यूज होगा. ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी रिसोर्सेज की. कलेक्टिव स्ट्रेंथ, अब कहीं पर भी आप देखो तो यहाँ पे कलेक्टिव स्ट्रेंथ होगा उनके पास. ठीक है, अगर कोई एक फार्मर को फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन ठीक से नहीं आ रही, किसी अगर को आ रही है तो उससे वो मदद लगा सकता है. इसको इरीगेशन का अच्छा नॉलेज इसके पास वो ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर वेस्ट करता था, पर इसके पास क्योंकि इरीगेशन का अच्छा नॉलेज है तो ही कैन हेल्प हिम. तो इस तरह से कलेक्टिव स्ट्रेंथ से भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा होगा. बेटर गवर्नमेंट इंटरेक्शन, इससे क्या मान के चलो गवर्नमेंट का कोई रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए प्रोग्राम है, जैसे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है. इसके अंदर गवर्नमेंट माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज और एक्सटेंशन वगैरह प्रोवाइड करा दी. हो सकता है एक फार्मर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो टू गेट दिस बेस्ट यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी और इसके जाकर के इसको अप्रोच करे, या फिर और गवर्नमेंट के लिए भी इतना डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप कहीं एक एक फार्मर को अलग अलग से एक्सटेंशन देना है, ट्रेन करना है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है. क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव है, यहाँ पे आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, यहाँ पे आपकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, तो कलेक्टिविटी है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो है फार्मर के ये जो फार्मर्स है जो इस कलेक्टिविटी के पार्ट है वो बेटर गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर पाएंगे. गवर्नमेंट देखेगा एक साथ एक ही टेक्नोलॉजी से मैं इतने 20 फार्मर्स को रीच कर सकता हूँ. तो यहाँ पे क्या है कि जो भी ये मान के चले आया है ये, तो ये इजिली जो भी ये सब ग्रुप्स हैं उनको जल्दी इसका बेनिफिट मिल जाता है. ठीक है, और क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे स्कीम का बेनिफिट मिल गया, पर क्रॉप मॉडल है, कुछ को माइक्रो इरिगेशन है, कुछ टेक्नोलॉजीज मिल गए, कुछ इक्विपमेंट्स मिल गए, कुछ नॉलेज मिल गए, तो उससे भी वो अपने रिसोर्स को यूटिलाइजेशन को इफिशियंट कर सकते हैं. दिस इज हाउ गवर्नमेंट इंटरेक्शन कैन हेल्प. नॉलेज शेयरिंग, जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी एक फार्मर के पास किसी एक इरीगेशन को लेकर अच्छी नॉलेज है और दूसरे फार्मर के पास नहीं है, जिस वजह से वो वाटर वेस्ट कर रहा था, तो अब क्योंकि ये फार्मर जाके उसको नॉलेज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल. टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, अब क्या होता है, अकेले जो है किसी एक फार्मर के लिए प्रीसीजन एग्रीकल्चर करना, या फिर ट्रैक्टर कोई मशीनरी खरीदना, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर ही खरीद रहे हैं, कोई हार्वेस्टर खरीदना, या फिर रिमोट सेंसिंग का यूज करना, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में इज वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे कोई मान के चलो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ठीक है, कोई FPC है, या फिर कोई SSG है, तो इनके पास एक तो रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, सेकेंडली क्योंकि ये पूल कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को. ठीक है, हो सकता है कि एक फार्मर के लिए डिफिकल्ट हो ये चीज करना, पर अब क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स है तो वो पूल कर सकते हैं रिसोर्सेज को और यहाँ से टेक्नोलॉजी और मशीनरी को अवेलेबल करा सकते हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ भी, जिससे कि उनकी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन भी अच्छे से बढ़ेगी और उनको भी बेनिफिट होगा. दिस कैन बी डन. नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी रिसोर्सेज की. जैसे मान के चलो क्या हो रहा है कि अब किसी यहाँ पे एक फार्मर बस कोई सिंपल वेजिटेबल्स उगा रहा है, उसके कुछ वेस्टेज हो रहे हैं, एंड दैट इज कम्प्लीटली गेटिंग वेस्टेड. अब क्या है कि यहाँ पे 10 फार्मर मिल गए, 10 फार्मर ने अपने लैंड को 3 भाग में डिवाइड किया, यहाँ पे उन्होंने वेजिटेबल लगाया, यहाँ पे उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सेरल्स क्रॉप्स उगा रहे हैं. अब क्या हो रहा है, वेजिटेबल्स का जो रिमेनिंग पार्ट है जो शायद वेस्ट हो जाते हैं, अब वो यहाँ पे एक तो सेरल क्रॉप्स के फील्ड में ग्रीन मैन्योर काम एक्ट कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग में हेल्प कर सकता है, ऑर्गेनिक मैन्योरिंग में हेल्प कर सकता है, फार्म यार्ड मैन्योर उससे बन सकता है. सेकेंडली ये जो एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है यहाँ पे आपकी ये एक्ट कर सकता है, जो फीड एनिमल फीड के लिए भी एक्ट कर सकता है, ये काफी सारी चीजों में काम कर सकता है. इस तरह क्या हो रहा है कि जो भी वेस्टेज है दैट वेस्ट ऑफ वन यूनिट बिकम्स द इनपुट ऑफ अदर यूनिट, बिकम्स द रिसोर्स फॉर अदर यूनिट.
तो इससे क्या हो रहा है कि जो सस्टेनेबिलिटी है, जो सर्कल बन रहा है, उससे सस्टेनेबिलिटी हमारी बढ़ रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और इफिशियंट हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट ऑफ क्रेडिट एंड इकोनॉमी ऑफ फिस्कल, इकोनॉमी ऑफ फिस्कल वही है कि अगर आप साथ में पुल करके एक जगह जा रहे हो तो आपको एक तो मार्केट में आपकी अच्छी पकड़ रहेगी, आपको अच्छा इनकम मिलेगा। ऑब्वियसली देखो, किसी फार्मर को अगर अच्छी इनकम मिलेगी और उनके पास क्रेडिट एबिलिटी पहले से, गवर्नमेंट सपोर्ट है, बैंक सपोर्ट है, हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग से कितना हेल्प मिलता है इनकम कोऑपरेटिव्स को, एफपीओस को, तो इनकम है उनके पास, क्रेडिट है, तो इस तरह से वो और अच्छे रिसोर्सेज, इफिशियंट रिसोर्सेज का, इफिशियंट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली देखो आप इसको लिंक करो, इफिशियंट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कहीं पर उन्हें प्रॉब्लम होगी तो वो जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह से सलाह ले सकते हैं, इस तरह से रिसोर्स की यूटिलाइजेशन और बढ़ेगी। और क्वालिटी प्रोडक्ट्स इनपुट्स, इनपुट्स जो है उनकी ये होगी, और जो हमें क्वालिटी इनपुट्स का भी यूज करना, थोड़ा सा पॉइंट सही कर लेना, यूज ऑफ क्वालिटी इनपुट्स, और जब भी क्वालिटी इनपुट्स का यूज होगा तो ऑब्वियसली रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा हो सकता है। पहले यूरिया, नॉर्मल यूरिया यूज कर रहे थे जिसमें कि काफी सारे यूरिया में, आप जानते हो नॉर्मल यूरिया में क्या हो रहा है कि वो लीच होकर के यूरिया वेस्ट करते, क्योंकि अब इनके पास रिसोर्सेस है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास क्रेडिट है, तो अब ये सल्फर कोटेड यूरिया यूज कर रहे हैं। तब क्या सल्फर कोटेड यूरिया से आपकी यूरिया की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, सॉइल में सल्फर भी मिल रहा है, तो दीज थिंग्स कैन बी डन, तो जो इनपुट्स की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होती है। सो दीज आर सम द कॉमन पॉइंट्स जिस तरह के ये लोग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को एफिशिएंट कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। और आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन, और इसको अपने वर्ड्स में लिखने का प्रयास करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।